चैनल बहुत अच्छा लगता है, तो मैं करनाल से इसको डेली अपडेट करती रहती हूँ। मायके से नरवाना के चैनल को एनजी न्यूज को साथ ही करनाल में अपने ससुराल में ले गए। नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज नरवाना पर आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र कौशल इस समय पहुंचा हूं वार्ड नंबर 10 के अंदर, जहां से मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। तो आप ठीक मेरे सामने देख सकते हैं कि जो यहां से प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुशील कौशिक जी, वो उनका जो एक चुनावी निशान है वो मिला इनको एरोप्लेन का निशान, तो बहुत अच्छा है। और आज इस मौके की भीड़ को देखते हुए इस चीज़ को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता कि काफ़ी भारी मात्रा में वार्ड नंबर 10 के जो लोग हैं इनको भारी एक समर्थन दे करके अपना एक मान सम्मान इनको दे रहे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगा और मेरे सहयोगी से कहूँगा जरा एक बार ये तस्वीरें इनको दिखा दीजिए, और आसपास के जो लोग हैं जो जाने माने चेहरे हैं उनको भी जरा एक बार कैमरे पर कैद कर लीजिए। ये यहाँ की जो रिपोर्टिंग है, ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं वार्ड नंबर 10 से। और डॉक्टर सुशील कौशिक जो है हमारे साथ हैं, बहन है। बहन, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सुशीला कौशिक, प्रिंसिपल फ्रेंड स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी। सुशीला कौशिक जी जो प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फ्रेंड कला। तो इनके साथ में जो सहयोगी जो चेहरे हैं वो भी साथ में हैं, लेकिन असली जो हम बात करना चाहेंगे जिन मुद्दों को लेकर के, वो पार्षद के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर सुशील कौशिक जी, उन्हीं से हम बात करना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका वार्ड नंबर 10 के अंदर। आप लोगों का स्वागत। एनजी न्यूज आपके पास पहुंचा है क्योंकि हमें भी थोड़ा सा आने में देर हुई, और आसपास की सभी न्यूजों में इस टाइम हम भी बिजी शेड्यूल है, लेकिन आप लोगों को कवर करने के लिए वार्ड नंबर 10 हम पहुंचे हैं। तो सर, सबसे पहले ये देखिए कि आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरे हैं। सबसे प्राथमिक जो मुद्दा है हमारे वार्ड का जी, हमारा जो वार्ड नंबर 10 है ये सीवरेज के बैक प्रेशर की समस्या से ग्रसित है जी। पिछले लंबे अरसे से वार्ड की तमाम गलियों के जो सीवरेज हैं वो बैक प्रेशर होते हैं जी। जब ये पंप चलता है तो ही पानी आगे जाता है, अदरवाइज सारे ओवरफ्लो रहते हैं। और इस वार्ड के अंदर सबसे मेजर जो समस्या है वो गली है, सीवरेज की बैक प्रेशर की समस्या है। उसके लिए हम जनता से को आश्वस्त करते हैं कि देवन से ही हम इस दिशा में प्रयास करेंगे, और इस वार्ड के बहुत सारे बुद्धिजीवियों को साथ लेकर हम अधिकारियों से मिलेंगे और इस समस्या का समाधान करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। कौशिक साहब, जैसे आप करीब करीब नरवाना के सभी वार्डों में घूम रहे हैं, जो सीवरेज की समस्या है और पानी की समस्या, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, कहीं बिजली की समस्या है, लाइटों की समस्या है, ये सारी नगर परिषद के अंडर में आती हैं, और आप पार्षद के तौर पर एक आपका एक्सपीरियंस बन रहा है, तो ऐसे में जो ये महकमा है ना कि नगर परिषद के अंदर जो सीवरेज का आता है, ये आता है पब्लिक हेल्थ के अंडर, तो ऐसे में कैसे लोगों की आप समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे? जनता की समस्याओं को नगर परिषद के माध्यम से, यहाँ के अधिकारियों के माध्यम से उपमंडल नागरिक अधिकारी के पास जाकर हम तमाम पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों से मिलेंगे, जिसके लिए हम वार्ड से 10-20 बुद्धिजीवियों को, बड़े बुजुर्गों को साथ लेकर इस दिशा में प्रयास करेंगे। और धीरे धीरे मुझे आशा करता हूँ कि इस 5 वर्ष के कार्यकाल में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, करीब करीब अभी आने वाला समय है वो बारिश का समय है, तो अभी थोड़ा सा इलेक्शन में भी, क्योंकि 19 तारीख की जो है ना वोटिंग है और 22 की डिक्लेरेशन है, तो ऐसे में किस तरह से लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे कि जहां सीवरेज की और पानी की मेन प्रॉब्लम्स रहेंगी आने वाले टाइम के लिए? सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 10 के तमाम हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें और तमाम इस वार्ड के मेरे चुनाव के कार्यकर्ताओं का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ कि इन लोगों ने यहाँ पर आकर मुझे जो प्रेम दिया, मुझे जो आशीर्वाद दिया है, और मुझे लगता है कि भी इस गली के और तमाम वार्ड के लोगों का आशीर्वाद इसी प्रकार से अगर मिलता रहा तो हमारी विजयश्री होगी। मैं ऐसी कामना, ऐसी आशा इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से, इन माताओं बहनों के आशीर्वाद से लेकर यहाँ जा रहा हूँ, और उसके बाद जब ये कार्यकाल पूरा हो जाएगा, चुनाव जीत की तरफ आ जाएगा, फिर हम इस दिशा में अपना प्रयत्न शुरू करेंगे। तो डॉक्टर साहब, कितने आश्वस्त हैं आप जनता का मान और सम्मान पा करके, ताकि आने वाले टाइम के लिए जो 22 तारीख को एक डिक्लेरेशन होगी, तो उससे पहले लोगों के बीच में आप खुशी खुशी जो है ना एक अपना समर्थन हासिल करें? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, ए बंदे तेरी रजा क्या है। यहाँ आई हुई तमाम माताएं, तमाम बहनें, तमाम बुजुर्ग, तमाम साथी, ये जो जनता है, ये जो इन वार्ड के गली के लोगों का जो प्रेम है,
ये सब प्रेम बता रहा है कि भाई यहाँ हमें जीत और हार की हमारे लिए कोई इशू नहीं है और इस प्रकार की बात हमारे किसी के मन में नहीं है, हमने चुनाव लड़ना है और सारा वार्ड, सारी हमारी गलियाँ, हमारी बहनें दोपहर के अंदर 2 बजे 3 बजे इस वार्ड के प्रत्याशी की जीत के लिए कन्वेंसिंग कर रही हैं और मैं इन बहनों का, इन माताओं का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। तो डॉक्टर साहब, जो आपने शायराना अंदाज में बात कही है, क्या इस माहौल को देख करके आप शायर बने हैं? नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो दर्शकों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि लगता है कि इनके शायराना अंदाज से लगता है कि वार्ड नंबर 10 के लोगों ने इनके जीत जो है ना पक्की कर दी है। अच्छा, ये एक गली का प्रोग्राम है तो एक गली से वार्ड तो पूरा ही आ गया, लेकिन एक गली के प्रोग्राम में जब कौशिक साहब के समर्थन के अंदर जो एक शायराना अंदाज आ रहा है, उन्हीं के शायराना अंदाज आएगा जिनके हौसले बुलंद होते हैं। तो ऐसी वार्ड नंबर 10 की जो तस्वीरें हम पेश कर रहे हैं, जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से वार्ड निवासियों को संदेश देना चाहता हूं कि मैं इस प्रोफेशन में, चिकित्सा के प्रोफेशन में पिछले 30 से ज़्यादा वर्षों से काम कर रहा हूं और मुझे स्वाभाविक रूप से 24 घंटे कार्य करने का मुझे, मेरा स्वभाव है, मेरी आदत है। मैं रात को उठकर भी मरीज को देखने के लिए आता हूं और उसके अलावा हमारे आस पड़ोस के गाँव गवांड के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंटरव्यू के लिए जाना होता है, जिनको अटेस्टेशन करवानी होती है। तो मेरी वाइफ पहले लेक्चरर थी, अभी प्रिंसिपल प्रमोट हो गई है। मैं रात को भी उठकर उन बच्चों के भविष्य के लिए, हम रात को भी उठकर उनकी मोड़ लगाकर उनको अटेस्टेशन करके देते थे। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इस वार्ड के मध्य में रहता हूँ और मेरा निवास, मेरा कार्यस्थल जो है ना वार्ड के सेंटर के अंदर है, कोने के अंदर है। और इस बार मुझे खुशी होती है कि इस वार्ड के प्रत्याशियों को पुरुष पार्षद चुनने का मौका मिला है और मैं इन लोगों की आशा पे खरा उतरूंगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं। दर्शकों, हमने यहां से वार्ड नंबर 10 से आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का प्रयास किया है, जिनके जो एक नुमाइंदे हैं, उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 10 से डॉक्टर सुशील कौशिक, लेकिन इनके शायराना अंदाज ने हमारे जो दिन भर की थकान है एनजी न्यूज की, वो हमारी उतार दी, क्योंकि हम भी इनके जो है ना प्रभावित हुए हैं इनके विचारों से। जिस आश्वस्त लोगों के जो समर्थन है वो वार्ड नंबर 10 के, हम आपको एक यहाँ से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और जो जन समर्थन है लोगों का, ये साफ तौर पर वार्ड नंबर 10 से लगता है कि डॉक्टर सुशील कौशिक के समर्थन के अंदर काफ़ी जो भीड़ है यहाँ हमें नजर आ रही है। तो ये हम आपको एक रिपोर्ट दिखाई है वार्ड नंबर 10 से। जी जी, बने रहिए एनजी न्यूज पर राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत। वार्ड नंबर 10 में जो ताल ठोक रहे हैं सुशील कौशिक जी, यहाँ पर भारी संख्या में समर्थन पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर महिलाओं से जानेंगे कि जो समर्थन इन्हें मिल रहा है, जो आने वाली 19 तारीख को किस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिलेगा। नमस्कार। तो क्या कुछ लगता है आपको, सुशील कौशिक जी जो मैदान में उतरे हैं, किन मुद्दों के साथ और आपको क्या आशाएं हैं, आप यहाँ पर पहुँचे हैं? ये वो विकास का कार्य करेंगे, लगता है कि वो ही जीतेंगे। अच्छा अच्छा, और क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? मुझे आपका एनजी न्यूज चैनल बहुत अच्छा लगता है तो मैं करनाल से इसको डेली अपडेट करती रहती हूँ। मायके से नरवाना के चैनल को, एनजी न्यूज को साथ ही करनाल में अपने ससुराल में ले गए। अपडेट मिलता है ना जी मुझे यहाँ से, नरवाना में क्या चल रहा है, वो हर एक बात को, हर एक चीज को अपडेट करते हैं। तो वहाँ जॉब कर रहे हैं कि हाउस वाइफ के तौर पे काम कर रहे हैं? हाउस वाइफ। अच्छा, कौन से सेक्टर में मकान है? सेक्टर 4। सेक्टर 4 में क्या नाम है जी आपका? अंशुल। तो भाई अंशुल है जो मैडम जी, अंशुल गोयल जी है। नरवाना की जो भी हम अपडेट देते हैं मैडम जी वो देखती रहती है और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास जो फ़ोन आते हैं बहुत दूर दूर से फ़ोन आते हैं, फौजियों के आते हैं और जो बाहर रहते हैं विदेशों से, ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे पास फ़ोन आते हैं कि आप हर कवरेज दिखाते हो। तो हमारा भाई सौभाग्य है, जो इतनी मेहनत करते हैं वो सभी के सपोर्ट से हो पाता है। जैसे जैसे मैडम जी है, इन सभी का सपोर्ट है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे चैनल को पूरा लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। और आज यहाँ पर देखा कि हम यहाँ पहुँचे हैं तो पहुँच गया है। मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एनजी न्यूज नरवाना पर धन्यवाद। थैंक यू। ग्राउंड रिपोर्ट।
चुनावी निशान है वो मिला इनको एरोप्लेन का, निशान तो बहुत अच्छा है और चीज को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। काफी भारी मात्रा में वार्ड नंबर 10 के जो लोग हैं इनको भारी एक कर तो आज सारी